हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स लामा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल आपने बिटकॉइन के बारे में जरूर सुना होगा और आपके मन में सवाल आया होगा कि ये बिटकॉइन होता क्या है। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर ये बिटकॉइन होता क्या है, इसे खरीदा कैसे जाता है, बिटकॉइन को कहाँ पर रखा जाता है और इसके खतरे क्या क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बिटकॉइन की पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोतो नामक शख्स द्वारा साल 2009 में बनाया गया था। हालांकि उस वक्त इसकी कीमत 5 से 6 रुपए प्रति बिटकॉइन थी। दोस्तों, नॉर्मल करेंसी की तरह बिटकॉइन को देखा या फिर छुआ नहीं जा सकता। हालांकि इससे ऑनलाइन खरीद और बिक्री हो सकती है। इस करेंसी से कोई भी सामान खरीदा जा सकता है। खास बात ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर बिटकॉइन से पेमेंट करना फायदेमंद है, क्योंकि अभी तक बिटकॉइन पर किसी देश का रूल रेगुलेशन नहीं बना है। बिटकॉइन की बढ़ती कीमतों के चलते इन दिनों लोग बिटकॉइन में खूब निवेश कर रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि बिटकॉइन कैसे खरीदा बेचा जाता है। भारत में कई ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसके जरिए आप बिटकॉइन खरीद या फिर बेच सकते हैं। भारत के कुछ टॉप वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए आप बिटकॉइन खरीद या फिर बेच सकते हैं, जैसे jabpay.com, unicoin.com। चलिए अब जानते हैं कि बिटकॉइन को कहाँ रखा जाता है। बिटकॉइन एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहता है। इस डिजिटल वॉलेट को ही बिटकॉइन वॉलेट कहा जाता है। यह बिटकॉइन वॉलेट यूजर के कंप्यूटर पर या फिर ऑनलाइन क्लाउड पर हो सकता है। बिटकॉइन वॉलेट एक तरह का वर्चुअल बैंक अकाउंट है जिसे एक खास पासवर्ड से ही खोला जा सकता है। अगर किसी यूजर ने इस डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड भूल जाता है तो फिर उसका बिटकॉइन भी गुम हो जाएगा। ऐसे ही एक मामला हाल ही में सामने आया है जहां एक व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में 7000 बिटकॉइन है जिनकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन वह व्यक्ति अपने बिटकॉइन वॉलेट का पासवर्ड ही भूल गया। इस तरह से वह करोड़पति होते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक कुल बिटकॉइन के 25% तो ऐसे ही कारणों से गुम है। और अब जानते हैं कि इसके खतरे क्या क्या हैं। बिटकॉइन के ऑनलाइन लेनदेन पर खतरा ये है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, जिसके चलते बिटकॉइन खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि कई देशों में गैर कानूनी कामों जैसे ड्रग्स आदि खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आशंका यह भी है कि बिटकॉइन सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको बिटकॉइन के बारे में समझ आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आगे भी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।